पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी लक्ष्मी की तरह ही भगवान धन्वंतरी भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर ये खरीदना शुभ होता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद आपको स्वर्णाभा परिवार की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट यह है कि इस बार की दीपावली प्रदूषण मुक्त हो, और जैसा कि मोदी जी का संदेश चल रहा है, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे तभी इस कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। दोस्तों, आपकी तंदुरुस्ती हमारे लिए सर्वोपरि है। आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे तो आपकी सेवा हम लोग बार बार करेंगे। एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।